बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए पूर्व में जो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस जो बुक चल रही है उसका फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेचर क्षेत्रफलन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें दो प्रबल दे रखे हैं, उन दोनों प्रबलों के द्वारा घिरा हुआ जो एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रकलन है, उसकी हमें यहाँ पर गणना करेंगे। गिवन पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस से, और दूसरा जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस से। इनको सबसे पहले हम चित्र में चित्र बनाने के लिए मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, अवकलन गणित के कर्व ट्रेसिंग जो चैप्टर है, वक्र अनुरेखण है, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं और वक्र को हम अनुरेखित करते हैं, ट्रेस करते हैं, वक्र को खींचते हैं, वक्र बनाते हैं। तो उस चैप्टर के बिना ये हमारे सबसे पहले तो चित्र बनाने की आवश्यकता, चित्रकला में सख्त आवश्यकता है। बिना चित्र के हम इसको वहाँ हमें इतना उसका पूरा सहायता मिल जाती है, वो बिल्कुल डीटो पॉइंट है, कौन सी एक्स सम होती है, जैसा कि एक्स एक्स की घात सम होती है तो वाई एक्स के प्रीत सम्मित होता है, वाई की घात सम होती है तो एक्स प्रीत सम्मित होता है। पूर्व के वीडियोस में हम इन सब के बारे में वक्र अनुरेखण के पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उनको ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। चित्र बनाने के पश्चात ही कुछ इसके जो एक्स एक्स और वाई एक्स पर जो काटे गए बिंदु हैं उनको मैं ट्रेस करते हुए प्रथम प्रबल्य के द्वारा डायरेक्ट में जो फर्स्ट पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया इसको आप देख पा रहे हैं माइनस ए से, इस चित्र अनुसार माइनस से ए से लेकर के जीरो तक के आप देख पा रहे हैं एक्स एक्स पर ये एरिया ट्रेस कर रहा है, तो माइनस ए से लेकर के वाई का मान हम प्रबल्य के समीकरण से पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए के रूप में है, तो हम इसको अंडरूट 4ax प्लस ए के रूप में वैल्यू पुट अप कर देंगे, और पुट करने के पश्चात रूट 4a के रूप में जो है हम इसको बाहर लेकर के एक्स आ जाएंगे। ये मान सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि आप सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, दैट इज़ द वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ द, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है कि आप 12 तक पढ़ चुके हैं, ये कोई बड़ी या नई बात नहीं है, लेकिन हमें इसमें वो चीज़ें पुट करनी है साइन को सिंबल्स को देखते हुए कि हम क्या पुट करें कि हमारा जो अंडरूट से जो मान है वो एक सिंपल सरल फॉर्मेट में रूपांतरित हो जाए। तो अक्ष को हम इसमें माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएट करते हुए लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं, एक्स को माइनस ए से सबसे पहले पुट करते हैं, एक्स को जीरो पुट करते हैं, थीटा जीरो है, माइनस ए पुट करते हैं, थीटा पाई बाय टू, पाई बाय टू से जीरो प्राप्त होती है। वैल्यू पुट अप करने के पश्चात हम देख पा रहे हैं इसको शोल करते हैं, लास्ट में हम जैसे कि इसमें प्राप्त करते हैं 8 पाई स्क्वायर जीरो से पाई बाय टू साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। गामा सूत्र हम इसमें इम्प्लीमेंट करने के पश्चात इसका जो एरिया जो है फर्स्ट जो पैराबोला है उसके द्वारा घिरा हुआ एरिया जो है 8a स्क्वायर अपॉन 3 के रूप में हमें एरिया, इसी प्रकार से हम सिमिलरली सेकेंड पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax - a द्वारा घेरा गया एरिया, इसको आप चित्र से देख रहे हैं, चित्र के अकॉर्डिंग इसका जो एरिया है सेकंड प्रबल्य के द्वारा वो जीरो से ए तक अक्षर से अनुदिश इसकी लिमिट जो है अप्रोच कर रही है, जा रही है, तो हम इस पर जो समाकलन पर जो लिमिट है जीरो से ए तक वाई डी एक्स वाई का मान हम दिए गए वक्र के समीकरण से पुट कर देंगे। हमारे पास अंडरूट के अंदर ये माइनस आ रहा है, इसको हम अंदर लेकर के एक्स माइनस ए जो ब्रैकेट में बन रहा है उसको ए माइनस एक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, 4a के रूप में हम इसको बाहर लेकर के रूट ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वहाँ हमने सब्सटीट्यूट करने वाली चीज़ को नेगेटिव लिया था क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह था, यहाँ हम माइनस है ऑलरेडी ए माइनस एक्स है तो यहाँ हम एक्स को प्लस से रिप्लेस करते हैं, ताकि क्या है कि हमारा एक सिंपल फॉर्मेट में जो है पद हमें प्राप्त हो जाए। वैल्यू पुट अप करने के पश्चात 4a स्क्वायर जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा गामा सूत्र से यह भी वही एरिया प्राप्त होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3। इस प्रकार से दोनों एरियाज को जोड़ने से टोटल जो उनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है दोनों
परवलयों द्वारा घिरा गया जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हमें 16a² / 3 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें और एग्ज़ाम के लिए आप इसको तैयार करने की कोशिश करें। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, इसमें भी हमें क्षेत्रकरण की गणना करनी है। y² = y² (2a - x) = x³। सबसे पहले हम इसमें सममिति देख रहे हैं, y की घात सम है, तब अगर अक्ष के प्रति सममित होगा। शीर्ष बिंदु के रूप में देखें तो y बराबर 0 पर अक्ष का जो मान है 0 भी प्राप्त होता है, इसका मतलब वक्र शीर्ष से गुजरता है। अनंत स्पर्श के रूप में y की उच्चतम घात के गुणांक y की घात 2 है, 2 - x को आप 0 के बराबर रखते हैं तो x = 2a, अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। प्रश्नानुसार कोटे x = a वक्र और अनंत स्पर्शी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए x = जो इसकी जो कोटि है ए वक्र और अनंत स्पर्शी को 2 बराबर भागों में काटती है। कोटि तथा शीर्ष बिंदु 0 0 के मध्य घेरा गया एरिया 2 एरिया ऑफ ए सी ओ ओ ए सी ओ आप जैसा कि देख पा रहे हैं ओ ए सी ओ इस एरिया को सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ओ ए सी ओ, ताकि ऊपर और नीचे 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे एरिया, तो टोटल एरिया हमारा जो है अक्ष के ऊपर और नीचे का वो एरिया ज्ञात हो जाएगा 2। इसको जो इसकी जो लिमिट जा रही है ओ से ए तक की, वो 0 से a तक है। ydx के रूप में y का मान हम दिए गए वक्र के समीकरण से पुट करेंगे, पुट करने के पश्चात ये समाकलन है इसको सोल्व करें तो वही प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन 2a इसके अंदर नीचे है तो 2a हमारे पास अक्ष की जगह रिप्लेस करने में 2a sin² θ पुट करते हैं, dx निकालते हैं, थीटा की जो वैल्यू है 0 और a उससे सॉरी x के जो मान जो लिमिट के रूप में 0 और a दे रखे हैं उससे हम थीटा के मान निकाल लेते हैं, वो मान हमें 0 से π/4 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। सारे वैल्यूज जो है x = 2a sin² θ के रूप में पुट करने के पश्चात सोल्व करने से जो हमें इसको 16a² (0 से π/4 sin⁴θ d θ) प्राप्त होता है। अब sin⁴θ d θ देखिए क्या यहाँ हम डायरेक्ट गामा सूत्र इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास लिमिट अगर 0 से π/2 होती तो हम यहाँ लिमिट जो है वो π/2 होने पर हम डायरेक्ट इसमें गामा सूत्र शेष को सोल्व कर पाते, लेकिन लिमिट क्या है π/4 है, इसलिए हम इसमें इसको sin² θ का जो फॉर्मूला है उससे 1 - cos²θ / 2 उस फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 के रूप में 4 बाहर आ जाएगा, cos इसको स्क्वायर को खोल करके लास्ट में जो हमारे पास cos²²θ है इसकी इसका जो मान जो है वो 1 + cos²θ / 2 के रूप में वापस लिखेंगे, और इसके पश्चात हम इसमें जो है सोल्व करने के पश्चात a² / 2 3π - 8 के रूप में हम प्राप्त कर लेंगे। अब कोटि x = a और अनंत स्पर्शी के मध्य घेरा गया एरिया जो है वो हम देखिए चित्रानुसार कोटि x = a और अनंत स्पर्शी के मध्य चित्रानुसार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x = a से 2a के मध्य a से b बिंदु से यहाँ इसके बिटवीन का एरिया ये हमें अब ज्ञात करना है। तो इस एरिया को ज्ञात करने के लिए कोटि x = a और अनंत स्पर्शी के मध्य का एरिया जैसे ज्ञात कर रहे हैं तो 2 0 a से 2a ydxy का मान वापस वक्र के समीकरण से पुट करना है, इसमें भी एक्स को वही प्रतिस्थापन करना है 2a sin² θ, सेम प्रोसीडिंग होगी इसमें भी sin⁴θ, सेम डेटो वही sin² θ के रूप में 1 - cos θ / 2 के रूप में खोलेंगे, होल स्क्वायर लगा करके वापस उसी तरीके से इसको हम जो है प्रसार करते हुए 1 + 1 + cos⁴θ / 2 - 2 cos²θ डी थीटा। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो लिमिट चेंज होती है ए से टू ए था ये, तो लिमिट के संदर्भ में थीटा π/4 से π/2 तक जा रही है, यहाँ इसी कारण से हम इसमें sin⁴θ पर जो है गामा सूत्र इम्प्लीमेंट, गामा सूत्र हमें वहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब साइन की और कॉस की पावर्स के रूप में हो और साथ में लिमिट है वो 0 से π/2 हो, अदरवाइज हम अन्य जो तरीके हैं उससे ही हम
समाकलन को सोल्व कर पाएंगे। ये समाकलन जो है अल्टीमेट सोल्व करने से जो है जो मान हमें प्राप्त होता है वो है ए स्क्वायर बाई टू थ्री पाई प्लस एट। कोटि एक्स इक्वल टू ए और वक्र कोटि एक्स इक्वल टू ए वक्र तथा अनंत स्पर्शी से घिरा गया क्षेत्रफल का अनुपात, जो पहले जो हमने समीकरण एक के रूप में जो एरिया निकाला था वो एरिया ए स्क्वायर बाई टू थ्री पाई माइनस एट, और ये जो दूसरा हमने एरिया निकाला है कोटि और अनंत स्पर्शी के मध्य का, इन दोनों का हमें अनुपात पूछा गया है। तो इसका जो अनुपात है वो हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ये अनुपात थ्री पाई माइनस एट, थ्री पाई माइनस एट अनुपात थ्री पाई प्लस एट के रूप में प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछने के भी कई तरीके होते हैं कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है, कौन सा अनुपात पूछा गया है, किस संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कई बार पूरा वक्र दे देते हैं तो उसमें एक लूप का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो है उसमें पूछने के तरीके होते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हमें पहले ध्यान से देखना है, यहाँ अनुपात पूछा गया था। एक आपको कोटि दे दी एक्स इक्वल टू ए, उस एक्स इक्वल टू ए से जो कोटि के द्वारा जो विभाजन जो एरिया था प्रश्न में देख पा रहे हैं, उस चित्र से हम देख पा रहे हैं, इसमें ये जो आप एक्स इक्वल टू ए जो कोटि से जो हम एरिया जो विभाजित किया जा रहा है, इसके द्वारा जो विभाजित एरिया है वो एरिया अनंत स्पर्शी के बिटवीन तक जो एरिया है मूल बिंदु से लेकर के उस एरिया को, ये जो एक्स इक्वल टू ए जो पहुंच है ये कितना कैसे इसको डिवाइड कर रहा है उसका अनुपात हमें इसमें बताना था। तो ये अनुपात हमें थ्री पाई माइनस एट अनुपात थ्री पाई प्लस एट अनुपात के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज से जो है आज की वीडियोस में बस दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अन्य क्वेश्चंस को भी, एक आध क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है उसको भी आप खुद कोशिश करें और आगे भी कुछ क्वेश्चन कोशिश करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं, अपने व्यू विचार लिखें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।